कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत के ऐलान से पूरा देश हिल गया। कतर की एक अदालत ने इन 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा सुनाई है। ये सभी 8 पूर्व नौसैनिक बीते एक साल से कतर की जेल में बंद हैं। कतर ने कथित जासूसी के आरोप के बाद इन सभी 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई। भारत के 8 नौसेना अफसरों को बिना कोई आरोप लगाए, बिना किसी सुनवाई के सीधे मौत की सजा सुना रहा है। कतर का आरोप है कि इन सभी 8 पूर्व नौसैनिकों ने कथित तौर पर कतर के खिलाफ इजराइल की ओर से जासूसी की है। कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का भी आरोप लगाया। इन रिटायर्ड नौसैनिकों को कतर के गृह मंत्रालय ने बंदी बनाया था। बीते साल 30 अगस्त 2022 को इन्हें जेल में डाला गया था, लेकिन कतर की ओर से कभी भी इनकी रिहाई पर कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इन 8 पूर्व नौसैनिकों के नाम हैं: कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ विशिष्ट, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्वोदो तिवारी, कैप्टन नवजोत सिंह गिल, कमांडर सुगोनाकर पकाला, कमांडर सेलर रागेश और संजीव गुप्ता। कतर के इस कार्रवाई के बाद भारत ने इसका तुरंत जवाब दिया है। कतर के खिलाफ भारत एक्शन में आ गया है। कतर में कोर्ट द्वारा 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा के ऐलान के बाद इस मामले में विदेश मंत्रालय से लेकर भारत सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस केस की डिटेल फैसले का इंतजार कर रहा है। वहीं भारत का कहना है कि वो इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों को तलाश रहा है ताकि कतर में इन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा को रोका जा सके। विदेश मंत्रालय ने कतर के फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा कि हम कतर के इस फैसले से गहरे सदमे में हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और हम सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। इस बीच भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि वो उन सभी भारतीयों को काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेगा। बता दें कि पूर्व नौसैनिकों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है, उन्हें भी नहीं पता कि उनका दोष क्या है और न ही उनके परिवार वालों को पता है कि उन्हें किस जुर्म की सजा दी जा रही है। ऐसे में इस पूरे मामले में भारत सरकार अब एक्शन मोड में है। भारत सरकार इस मामले में जल्द ही कोई ठोस फैसला ले सकती है। इजराइल हमास जंग के बीच कतर ने जिस तरह से ये फैसला लिया है, उसे देखकर ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद कतर इजराइल से दुश्मनी का बदला भारत से लेने की कोशिश कर रहा है। अब आगे देखना होगा कि इस मामले में आखिर भारत कतर के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लेता है। इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।